आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। रेल एडवेंचर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ। ये महत्वपूर्ण जानकारी है ट्रेन्स के कैंसिलेशन के रिगार्डिंग। आप जैसा आप सभी को पता है 22 मार्च से कोई भी रेगुलर ट्रेन सर्विसेज नहीं चलाई जा रही हैं, चाहे वो मेल एक्सप्रेस ट्रेन हो, चाहे वो पैसेंजर ट्रेन हो, चाहे सबर्बन ट्रेन हो, सारी ट्रेन 22 मार्च से लगातार कैंसिल चल रही हैं। और ये कैंसिलेशन 30 जून तक लागू थी, पर अब इसे आगे भी फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये कब तक एक्सटेंड किया गया है और कौन कौन सी ट्रेन चलती रहेंगी, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि रेलवे से जुड़ी जानकारी, लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रेलवे ने दोबारा से अपने सारे रेगुलर पैसेंजर मेल एक्सप्रेस ट्रेन और सबर्बन ट्रेन को फर्दर 12 अगस्त तक कैंसिल कर दिया है। तो मैं आपको दोबारा से बताना चाहूँगा, 30 जून तक सारी रेगुलर मेल एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन और सबर्बन ट्रेन कैंसिल थी और अब इसे बढ़ाकर 2 महीने लगभग बढ़ा दिए गए हैं। और ये जुलाई में भी अब कोई रेगुलर पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेंगी, अब सीधा ये 12 अगस्त के बाद ही चल पाएंगी। कुछ ही दिन पहले रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी करके ये जानकारी दी थी कि आखिरी बार लोगों ने जो रेगुलर ट्रेन्स की बुकिंग की थी वो 13 अप्रैल को की थी। इस कारण से 30 जून तक की जो टिकट्स थी रेगुलर ट्रेन्स में जो बुक हुए थे उसे कैंसिल कर दिया गया था और फुल रिफंड प्रोसेस कर दिया गया था। तो अब जो फर्दर ट्रेन्स कैंसिल हो गए हैं 30 जून के आगे 12 अगस्त तक, तो इस पीरियड के भी जिन लोगों ने रेगुलर ट्रेन्स के टिकट बुक किए थे उनके टिकट्स पे भी उन्हें फुल रिफंड दिया जाएगा। अगर आपने ऑनलाइन मीडियम से ट्रेन बुक की थी तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा जहां से आपके पैसे कटे थे, और अगर ऑफलाइन आपने टिकट बुक की थी तो पहले से ही काउंटर खोल दिया गया है 20 जून से, तो आप काउंटर पे जाके टिकट कैंसिल करा सकते हैं और आपको फुल रिफंड मिल जाएगा। इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ में आपको ये भी बताना चाहूँगा, सबसे पहले 12 मई से रेलवे ने 30 राजधानी स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की थी, जो सारे राज्यों के कैपिटल से हमारे देश की राजधानी दिल्ली को जोड़ता था, जो पहली ट्रेन सर्विसेज थी जो लॉकडाउन के बाद स्टार्ट की गई थी। अब इसके बाद 1 जून से 200 और स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही थी जो मेल एक्सप्रेस कैटेगरी की थी। ये काफ़ी सक्सेसफुली चल रही हैं, जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी सुविधा भी है, और जो लोग मुश्किल से फंस गए थे अब अलग अलग जगहों पे, अब वो अपने घर तक इन ट्रेनों से वापस आ पाए हैं। तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि ये पीरियड में जो 30 जून से लेकर 12 अगस्त का होगा, इसमें इन ट्रेनों का परिचालन जारी रहेगा। वो 30 स्पेशल राजधानी ट्रेन चलती रहेंगी और स्पेशल मेल एक्सप्रेस ट्रेन जो 200 चलाई गई थी 1 जून से, इनका भी परिचालन लगातार जारी रहेगा। इसीलिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो बिहार के लोग हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, लगभग हर डिस्ट्रिक्ट से दिल्ली जाने के लिए, मुंबई जाने के लिए, कोलकाता जाने के लिए, हैदराबाद जाने के लिए और बेंगलोर जाने के लिए, बिहार से हर डिस्ट्रिक्ट से लगभग दिल्ली और मुंबई जाने के लिए तो ट्रेन है ही, अगर जिन डिस्ट्रिक्टों से नहीं है तो वो सभी लोग पटना आके ट्रेन पकड़ सकते हैं, क्योंकि पटना से इन जगहों के लिए ट्रेन की कनेक्टिविटी है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पर बहुत जल्दी रेलवे और भी ट्रेन चलाएगा स्पेशल ट्रेन। पर रेगुलर ट्रेन्स के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी दे दिया मैंने कि 12 अगस्त के पहले कोई भी रेगुलर ट्रेन्स नहीं चलने वाली हैं जो रेगुलर टाइम टेबल ट्रेन्स थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह की और भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँच सके। और रेलवे से जुड़ी कोई भी जानकारी आप अगर जानना चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट भी कर सकते हैं या आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं लेटेस्ट अपडेट डालता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।